मूज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सोया मिल्क। सोया मिल्क मार्केट में बहुत महंगा रहता है, तो घर में हम कैसे बनाते हैं वो हम आपको दिखाते हैं बना के। उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है वो दिखाते हैं। इसके पहले आप मेरे चैनल में लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने अनुभव को मेरे चैनल में शेयर करिए। सब्सक्राइब जो है एकदम फ्री है, आप सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए अब इसके इंग्रेडिएंट्स को हम दिखाते हैं। सोया मिल्क बनाने के लिए मैंने एक कप सोयाबीन लिया है। उसके छिलके को रात भर हम फुला दिए थे और उसके छिलके को ऐसे मसल के धो लिए। बहुत जल्दी छिलका निकल जाता है इसका। ये देखिए दाल हो गया। और थोड़ी सी हमें लगेगा इलायची पाउडर और एक लीटर हमें लगेगा पानी इसको पीसने के लिए। इसमें पानी भी डाल के पीसेंगे और एक बड़े कप में एक लीटर ये दूध इसका बन के तैयार हो जाएगा। इसको मैं बहुत आसानी से निकल जाता है और बहुत अच्छे से इसका मिल्क तैयार हो जाता है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी हम डालेंगे इलायची पाउडर, क्योंकि इसका दूध थोड़ा सा हल्का सा कसैला होता है, तो इलायची पाउडर डालने से उसकी खुशबू से कसैलापन खत्म हो जाता है। वो रखे हैं छन्नी और नीचे हम बर्तन रखे हैं जिसमें हमारा दूध आएगा। ये इसको ऐसे करके इसमें हम छानते जाएंगे। मलमल का है, नई धोती थी उसको हमने फाड़ लिया और फाड़ के उसी में हम उसको धो के उसको ऐसे छान देंगे। और एक बार हम इसको और तीन बार हमें इसको मैश करना है। नीचे इसमें भगोने में दूध आ गया है। अब इसको हम फेंकेंगे, हम इसको और एक बार फेटेंगे, पीसेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें, तो नीचे बढ़ेंगे। अच्छा हो गया, तो इसका दूध मिल्क तैयार हो गया है। इसमें विटामिन सी ई डी प्रचुर मात्रा में होता है, तो बहुत से बीमारियों के बाद डॉक्टर प्रिफर करते हैं कि आप सोया मिल्क पीजिए, तो मिलता नहीं है। तो आप घर में आसानी से कैसे बना सकते हैं ये तरीका हमने बताया है। अब आप बनाइए और मरीजों को दीजिए। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत से बीमारी में इसको दिया जाता है, प्रेफर करते हैं। इसका सोया मिल्क बहुत महंगा आता है। इसको हम गर्म कर लेंगे हल्का, और गर्म करने के बाद इसका पनीर भी बना सकते हैं। पनीर से हम बहुत सारी चीज़ें इसका बनाते हैं और दूध बन के तैयार हो गया। और इसका जो ये बचा है, इसके बाद इसका जो छिलका बचा है, गुदा बचा है, इसको आप आटे में गुन के पराठा बना सकती हैं, बिस्किट बना सकती हैं। इसके भी बहुत सारे काम है। सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन और हर तरह के विटामिन होते हैं इसमें। तो पराठा, बिस्किट कंपनी वाले इसको ले जाते हैं खरीद के कंपनी से। यदि मिल्क कंपनी जो खोलते हैं उसके साथ ये भी पूरा बिक जाता है। इसका हर चीज़ उपयोगी होता है। अब आप बनाइए, खाइए। मून्स किचन में आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने अनुभव को आप मेरे चैनल में शेयर करिए। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है।